इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से किसी भी प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर करते हैं और जो पेमेंट है किस तरह से अपने एटीएम कार्ड के द्वारा करते हैं। अगर आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हो और जो पेमेंट है आप अपने एटीएम कार्ड के द्वारा करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आपको उस वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस वाले प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और नीचे की तरफ आपके सामने एक ऑप्शन आएगा वो न्यू का, तो आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। आप इसको स्किप वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने एड्रेस वगैरह ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपने एड्रेस को ऐड कर लेना है जहाँ पर भी आपको इस वाले प्रोडक्ट को मंगवाना है। अगर आपका एड्रेस वगैरह पहले से ऐड है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है चेंज एड्रेस का। अगर आपको अपने एड्रेस को चेंज वगैरह करना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने एक नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, तो आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग्स वगैरह होने वाली है, तो आपको वेट कर लेना है। इधर पर आपके सामने एक अलग ही इंटरफेस आएगा पेमेंट मेथड का। इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए, जैसे कि आप फोन पे से कर सकते हो और इधर पर आप UPI के द्वारा आप फोन पे वॉलेट या पेटीएम वॉलेट या गूगल पे से भी कर सकते हो। इसके बाद आपको एक नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपको अपने ATM कार्ड से करना है तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्रेडिट डेबिट कार्ड ATM कार्ड, तो इधर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आपको नीचे की तरफ आपका पे करने के लिए ऑप्शन, मतलब कि जितना भी अमाउंट है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मुझे 870 रुपये है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपके ATM कार्ड नंबर मांगे जाएंगे, ATM कार्ड की एक्सपायरी डेट मांगी जाएगी और ATM कार्ड में CVV नंबर रहता है वो मांगा जाएगा। तो आपको अपने ATM कार्ड की पूरी डिटेल दे देना है, जैसे कि फर्स्ट में आपके ATM कार्ड के नंबर मांगे जाएंगे और जहाँ पर वैलिड लिखा हुआ है उधर पर आपके ATM कार्ड की एक्सपायरी डेट मांगी जाएगी और उसके बाद इधर पर CVV नंबर मांगे जाएंगे जो आपके ATM कार्ड में ही रहेंगे। तो पूरी की पूरी डिटेल आपके ATM कार्ड से ही देना है, तो आपको पूरी की पूरी डिटेल को इधर पर इंटर कर देना है। चलो हम इंटर कर देते हैं। ATM कार्ड की डिटेल देने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ पे वाला, तो इधर पर आपको अपने अमाउंट को चेक कर लेना है कि आपका जितने का भी ऑर्डर है उतने ही रुपए पे करने के लिए बोल रहा है या नहीं। अगर ज़्यादा बोलता है तो आप पे मत करिएगा, अगर उतने ही बोलता है तो आपको पे कर देना है। तो आपको पे वाला एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग्स होने वाली है और लोडिंग्स होते समय तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जहां पर जो भी आपने ATM कार्ड यूज किया है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस वाले नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है। तो आपको उस वाले OTP को इधर पर एंटर करना है। तो चलो जो है हम इंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आपसे एक बार और पूछा जाता है कि आप कन्फर्म में इतने रुपये पे करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऑर्डर जितना की भी आपने ऑर्डर किया है उतने रुपये आपको देख लेना है, उतने ही रुपये पे करने के लिए बोल रहा है या नहीं। तो आपको सिंपल सा कन्फर्म पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ लोडिंग्स वगैरह होने वाली है, तो आपको लोडिंग्स होते समय फिर से वेट कर लेना है और कुछ इस तरह से लोडिंग्स होती रहेगी तो आपको वेट करना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से पूरा का पूरा डन हो जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा और आपका ATM कार्ड से पेमेंट कट जाएगा। तो देखो यार, कुछ इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो अपने ATM कार्ड के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।